इंडिया 360, जैसा कि 360 हम जानते हैं कि 360 गोल आकार को बोलते हैं, और मेरा ये प्रोजेक्ट है इंडिया 360। इंडिया 360 के अंदर मैं क्या कवर करने वाला हूँ वो इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट एन अनाउंसमेंट ऑफ माई अपकमिंग प्रोजेक्ट, जिसके बारे में मैंने सोचा था कि मैं इसे मार्च में अपना जो है एग्जीक्यूट करूँगा, और उसके बाद से मैं इसमें वीडियोज़ डालनी अपनी पूरी जर्नी को कवर करते हुए इस चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा, लेकिन अब ज़्यादा लेट हो चुका है, तो अब जो है सूरज हमारे सर पर चढ़ चुका तो अब जो है सूरज हमारे सर पर आ चुका है, अब उठने का टाइम आ चुका है। तो मैं ये वाली जो जर्नी मैंने स्टार्ट जो मैंने जो मेरी काइंड ऑफ ड्रीम प्रोजेक्ट है उसे मैं करने वाला हूँ, और उसकी वीडियोस ही इस चैनल पर मैं देने वाला हूँ। तो इंडिया 360 प्रोजेक्ट है क्या, पहले उस चीज़ के बारे में आपको बता देता हूँ। तो देखिए, इस प्रोजेक्ट में मैं इंडिया को नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक, ईस्ट से लेकर साउथ तक, साउथ से लेकर वेस्ट तक, पूरा इंडिया मैं कवर करने वाला हूँ। इसमें पहले तो मेरी रहेगी वर्चुअल जर्नी, जिसमें मैं आपको वर्चुअली टूर दूंगा सारी चीज़ों का। जैसे कि इस चैनल पे मेरी आपने वीडियोस देखी होंगी पुरानी, या फिर मेरी पॉपुलर वीडियोस पे आप जाते हैं, जो मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियोस है वो मेरी सारी गाइड के बारे में ही है, जिसमें मैंने बताया है घूमने फिरने वाली जगहों के बारे में बताया है मैंने। लेकिन उन वीडियोस में क्या गलती है कि उनमें एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छी नहीं है, क्योंकि जब मैं अपनी जब मैं अपने यूट्यूब वीडियो के या फिर यूट्यूब चैनल के इनिशियल स्टेज पर था, तो मैं वीडियोस तो बनाता था, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आता था, और चीज़ों को मैं काफ़ी मतलब कम रिसर्च करके या फिर जैसे भी है मतलब वीडियो कुल मिलाकर बना के अपलोड कर दिया करता था। लेकिन अब ऐसा जो है ये मैं प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ, इसमें क्या है कि ये चीज़ें मुझे भी हेल्प करेंगी, प्लस जो मेरे व्यूवर्स, जो पुराने व्यूवर्स हैं जो मेरी वीडियोज़ को देख देख के इन्होंने सब्सक्राइब किया इस चैनल को, और वो चाहते हैं कि उस टाइप का मैं कॉन्टेंट इस चैनल पर डालूँ, तो उन लोगों को भी मेरी ये जो मेरी वीडियोज़ आएंगी उसमें हेल्प होगी। तो मैं एग्जैक्टली करने के वाला हूँ, पहले उस चीज़ के बारे में बता देता हूँ। देखिए कि इंडिया में हमारे जितने भी राज्य हैं, जिसमें हम मैं नॉर्थ से कवर शुरू करूँगा, जिसमें मेरा जम्मू कश्मीर, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद नीचे आएंगे थोड़ा हम पहुँचेंगे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद फिर बिहार, बिहार के बाद फिर पहुँचेंगे हम सिक्किम, सिक्किम के बाद पहुँचेंगे हम असम, असम के बाद फिर हम आएंगे हमारे जो सेवन सिस्टर स्टेट हैं, जिनमें हमारे जिसमें हमारा आता है मणिपुर, नागालैंड आता है हमारा, हमारा त्रिपुरा आता है हमारा, उसके बाद हमारा एक दो राज्य अगर मैं भूल रहा हूँ तो उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन जो मुझे याद है राज्य उनके बारे में बताता हूँ। उसके बाद हमारा वेस्ट बंगाल के बारे में हम वीडियो बनाएंगे, उसके बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड अपना, उसके बाद हम मध्य प्रदेश के बारे में वीडियो बनाएंगे, एंड आंध्र प्रदेश हमारा, कर्नाटका हमारा, तमिलनाडु, केरला, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एंड हमारा दिल्ली, ये सभी जितने भी हमारे राज्य हैं और जितनी भी हमारी जगह हैं, उन सभी में कुछ ना कुछ घूमने लायक, फिरने लायक, घूमने लायक, देखने लायक जगह हैं। तो उन सभी के बारे में मैं अपनी इन वीडियोस में, पहले तो अब मेरी 30 वीडियोस आएंगी, उनमें मैं आपको बताऊंगा कि किस राज्य में कौन सी अच्छी जगह है जो देखने लायक है। मैं केवल शहरों के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि उस शहर में कौन सी अच्छी जगह है उसके बारे में बताऊंगा। जैसे कि हम बात करें अपने उत्तर प्रदेश की, तो हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे श्री कृष्ण की नगरी मथुरा है, जहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं दर्शन करने लायक। और अगर आप ऐतिहासिक जगहों को देखना पसंद करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के ताजमहल को देख सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मुगलों की कब्र मुगलों के किलों से ज़्यादा खूबसूरत है, इस बात से ऑफेंड मत होइएगा। इसका मतलब ये है, जैसे कि आप ताजमहल को देखते हैं, चाहे वो मकबरा हो, एतमादुद्दौला का मकबरा हो, या फिर दिल्ली में सफदरजंग का मकबरा हो, ये सारे क्या है, ये सब मकबरे हैं, ये क्या है, कब्र हैं। तो ये काफ़ी खूबसूरत बने हुए हैं एज़ कम्पेयर टू, अगर हम किले की कंपेयर करें तो, ये इस चीज़ से ऑफर मत हो ना, बस यही कह रहा चाह रहा हूँ कि जितने भी हमारे देश के अंदर खूबसूरत जगह हैं, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है उन्हें, तो उन सभी के मैं जो है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ आपको। कितना किस जगह पर घूमने का एग्जैक्ट बजट आने वाला है वो सभी हमारी अपकमिंग वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। चीज़ों से देखिए ऑफर मत होइएगा, मैं जो है अपने इंडिया के टूरिज्म को प्रमोट करना चाहता हूँ, साथ ही मुझे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद है, इसलिए मेरे चैनल पर लिखा हुआ आई लव टू सफ़र। तो इन वीडियोस से क्या है कि पहली चीज़ तो आपको सबको हेल्प होगी, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं जो जगहों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि किस शहर में या फिर किस राज्य में, हमारे पर्टिकुलर राज्य में कितनी अच्छी अच्छी जगह हैं जहां पर हम एक टूर काइंड ऑफ कर सकते हैं। मान लीजिए कोई अगर अपना नॉर्थ ईस्ट का प्लान कर रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट में वो किस किस जगह जाए ताकि उसका जो टूर है वो वर्थ इट रहे, और मेघालय में ऐसी कौन सी जगह हैं जहाँ पर वो जाकर, एक बार जाकर उसका वंस इन अ लाइफ टाइम वाला एक्सपीरियंस पूरा हो जाए। तो वो सभी चीज़ें मैं जो है अपनी आने वाली 30 वीडियोस में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसी ही हमारी 30 वीडियोस कंप्लीट होती हैं, उसके बाद जो है मैं खुद से फिजिकली निकलूंगा एंड व्लॉग्स करना स्टार्ट करूंगा अपनी सारी जर्नी को। जिस तरीके से मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ ना इन वीडियोस को, उसी तरीके से मैं ही अपना जो है पूरा टूर
करने वाला हूँ। और हाँ, एक वीडियो में मेरी जो मुंबई वाली वीडियो है उसमें मेरी कुछ गलती भी हुई थी, जिसके लिए मुझे आज तक गालियाँ पड़ती हैं। उसमें मैंने हाजी अली के बारे में कुछ गलत बोल दिया था। गलत नहीं, मतलब वो मेरे को शायद बोलना नहीं आया था। वो खैर, आप जब वाली वीडियो देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। तो उसी से ऑफेंड मत होना, कुछ चीज़ें जो हैं गलती हो जाती थी पहले, और अब हम उसी गलती को, या फिर कहें कि अपनी चीज़ों को थोड़ा बेटर करके, या फिर अपनी जो हमने प्रेजेंटेशन स्किल्स जो हम थोड़ा सा इम्प्रूव करके आपके सामने लाने वाले, वो आपको जो है मेरी वीडियोस ज़रूर पसंद आएंगी। तो एक या दो दिन के बाद मैं पहली वीडियो अपनी डालने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा हमारे सबसे पहले, और हमारे जो जम्मू कश्मीर है उसमें कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर आप घूमने फिरने जा सकते हैं, वहाँ पर उनका आपका एग्जैक्ट बजट कितने आने वाला है, एस्टिमेटेड बताऊँगा मैं आपको, एस्टिमेटेड आपका बजट कितने आने वाला है। अगर आप दिल्ली से जाते हैं या अगर आप मुंबई से जाते हैं, जो भी बड़े शहर से जाते हैं, तो आपका एस्टिमेटेड बजट कितने आने वाला है, फ्लाइट से जाएंगे तो कैसे जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे तो कैसे जाएंगे, बस से जाएंगे तो कितना जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, कितना आपका खाने खर्चा आने वाला है, सभी चीज़ें मैं जो है इन वीडियोस में अपनी में बताया करूँगा। क्योंकि पहले क्या थी मेरी वीडियोस, उनमें केवल मैं घूमने फिरने लायक जगहों के बारे में बताया करता था, ना कि कितना आपका बजट आने वाला है, आप किस तरीके से पहुँचेंगे, वो सारी चीज़ें नहीं बताता था। तो आने वाली 30 वीडियोस या 30 से 32 जो मेरी वीडियोस रहने वाली हैं, उनमें मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। क्योंकि हमारे कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जिनमें जो है काफ़ी अच्छी अच्छी जगह हैं घूमने लायक, तो उन सभी को भी मैं इन्हीं इसी वाली सीरीज़ में कवर करूँगा। तो मेरी इंडिया 360 सीरीज़ की पहली वीडियो एक या दो दिन में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको सबको पसंद आएंगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या चीज़ें, या फिर आप कहाँ पर घूमने जा रहे हैं। सारी चीज़ें जो है, आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला रहता है। देखिए, अगर आपको कुछ वीडियो में पसंद नहीं आया तो उसके लिए भी कमेंट खुला रहता है, अगर आपको कुछ पसंद आई है तो उसके लिए भी कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अब हमारी सबसे पहली वीडियो के साथ में, और अब तक की जो मेरे व्लॉग्स थे उन सबको देखने के लिए आपका थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। Thank you.